यह दृश्य जो आप देख रहे हैं दरभंगा शहर का है। पूरे बिहार में श्यामा माई के नाम से यह परिसर प्रसिद्ध है। करीब आधा दर्जन से अधिक महादेव और भगवती के मंदिर इस परिसर में हैं और इसकी खासियत माने जाते हैं। यहाँ जितने सारे मंदिर हैं वे सभी दरभंगा महाराज के संबंधी और दरभंगा महाराज की चिता पर ही बने हुए हैं। पिछले वर्ष तक यहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। नवरात्रा को लेकर इस बार कोरोना महामारी के कारण यहाँ कम भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश गोरखपुर कैपियरगंज विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर सिंह इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, जिनसे हमारे संवाददाता मनोज झा ने बात की और उनसे जाना कि इस मंदिर में वो कब से आ रहे हैं दर्शन करने। और मैं समय समय पर यहाँ दर्शन करने पहले भी आया हूँ, इस बार 10 वर्षों के बाद आया हूँ। तो माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, हमारी भी पूर्ण हुई, जो हमने मांगा वो हमें मिला है, इसे माता जी में मेरी विशेष आस्था है। सर, अगर बात करें इनके बारे में कुछ जानकारी, तो कुछ जानकारी इनके बारे में आपको है और आपकी जो मनोकामना? राजा साहब तांत्रिक क्रिया के धनी थे और उनके अंदर तमाम शक्तियां थी और उन्हीं शक्तियों के देन है कि ये स्थान जो है आज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। सर, एक छोटा सवाल, राजनीतिक क्षेत्र से आप आते हैं सर, तो अभी जो देश की राजनीति और खासकर बिहार में आप आए हैं सर, हम लोगों को जो पार्टी से जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसी में हम लोग प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार गाँव में करने आए हैं और वो हम लोग काम अपना कर रहे हैं। आपको सर क्या लगता है बिहार में की राजनीति के भविष्य के बारे में क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी गठबंधन की सरकार है वो बनी। सर नाम बता दीजिए। फतेह बहादुर सिंह गोरखपुर, विधायक कैंपियरगंज गोरखपुर। थैंक यू सर। सर आप नगर में आए हैं और यहाँ के अभी वर्तमान जो नगर विधायक हैं संजय सरावगी हैं भाजपा से, सर इनके बारे में क्या आपके पास? जन भावना बहुत अच्छी है उनके प्रति। एक कैंडिडेट कोई नए आ गए हैं अभी जो सेम कास्ट के ही हैं, जो मेरे ख्याल से जो मुझे जन तो ऐसा कोई लड़ाई अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही कि कोई दूसरा भी मजबूत लड़ाई में है। निश्चित रूप से सीट हमारी निकलेगी, कोई कठिनाई नहीं है और सरावगी की निश्चित रूप से भारी मतों से जीत हाथी रही। तो जनसंपर्क में क्या लगा आपको? आपने कहा कि जनसंपर्क। अब मैं तो जहाँ जहाँ गया लोगों ने बड़ा सम्मान दिया और कहा कि आप आए हैं स्वागत है। हम लोग पार्टी के प्रति पहले से समर्पित थे, अब और समर्पण की भावना हम लोगों की आज से बढ़ रही। मंदिर के पुजारी उमेश झा बताते हैं कि भक्त मंदिर में पहुंच तो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ मंदिर में सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो।